हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूँ तमन्ना और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट। जी हाँ, या फिर मार्केट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। हमें पता है इसके अंदर अलग अलग टाइप्स के मार्केट्स के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे ड्यूओ पॉली मार्केट के बारे में। इसका मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, साथ में ये ओलिगोपोली मार्केट से कैसे डिफरेंट है, अलग कैसे है, वो भी हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि इसका मीनिंग क्या होगा। दो टर्म्स है, ये ग्रीक वर्ड से बना है। दो वर्ड्स होते हैं, ड्यूओ मतलब टू, पॉली मीन्स टू सेल। क्लियर है? यानी कि इस मार्केट के अंदर दो सेलर्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो दो फर्म्स होती हैं, सिर्फ दो। अगर दो से ज्यादा हो जाएंगी तो ये ड्यूओ पॉली मार्केट नहीं रहेगा। क्लियर है? ये एक टाइप का ऑलिगोपोली मार्केट ही होता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ दो कंपनी होती है जो मार्केट को डोमिनेट कर रही होती है, मार्केट में प्रोडक्ट बेच रही होती है। यानी कि ऐसा मार्केट जिसके अंदर सिर्फ दो सेलर्स हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे, फीचर्स क्या है कि एक तो इसके अंदर सिर्फ दो सेलर रहेंगे, दूसरा इंटरडिपेंडेंस है। एक सेलर या एक फर्म का जो डिसीजन होगा, एक्शन होगा, वो दूसरे फर्म की डिमांड को अफेक्ट करेगा। यानी कि एक सेलर ने जो डिसीजन लिया वो दूसरे सेलर की सेल्स को अफेक्ट करेगा। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ मोनोपोली एलिमेंट होता है इसके अंदर, क्योंकि सिर्फ दो ही फर्म है जो अपने प्रोडक्ट बेच रही है, लेकिन क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है तो उनके पास क्या है, एक टाइप ऑफ मोनोपोली आ जाती है। उसके बाद जो ओलिगोपोली मार्केट का बेसिक फॉर्म क्या होता है, ड्यूओपोली होता है। नेक्स्ट, इसमें बैरियर्स टू एंट्री होती है, नई फर्म्स आसानी से एंटर नहीं कर पाती मार्केट के अंदर। अगर एंटर कर जाएंगी तो ये ड्यूओपोली मार्केट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि दो से ज्यादा फर्म हो जाएंगी तो ये ड्यूओपोली मार्केट नहीं रहेगा, और दो से कम होगी तो भी ये ड्यूओपोली मार्केट नहीं रहेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं ये कैसे अलग है ओलिगोपोली मार्केट से। ड्यूओपोली मार्केट में क्या होते हैं, दो फर्म्स होती हैं, दो सेलर्स होते हैं। ओलिगोपोली मार्केट में दो से ज्यादा फर्म्स होती है, यानी कि ड्यूओपोली मार्केट के अंदर एक और फर्म आ गई तो क्या बन जाएगा, ये ओलिगोपोली मार्केट बन जाएगा। अगर इसमें से एक फर्म चली गई तो क्या बन जाएगा, ओलिगोपोली मार्केट नहीं, क्या बनेगा, मोनोपोली मार्केट बन जाएगा। ये जहां पे एक सेलर है वो क्या है, मोनोपोली मार्केट, जिसके अंदर दो सेलर है वो ड्यूओपोली मार्केट, और जिसके अंदर दो से ज्यादा सेलर हो गए, ओलिगोपोली मार्केट। अब ड्यूओपोली मार्केट क्या है, ज्यादा स्टेबल है ओलिगोपोली से अगर कंपेयर करें तो, क्योंकि इसके अंदर जो फर्म्स है वो स्मॉलर, दो ही फर्म्स होती है, इसीलिए ज्यादा स्टेबल है ये। जबकि ओलिगोपोली मार्केट लेस स्टेबल है, बार बार चेंज होते रहते हैं इसके अंदर कंडीशंस, क्योंकि इसमें दो से ज्यादा फर्म्स है। अब देखिए एडवांटेजेस क्या है, इसके फायदे क्या है, कि दो ही कंपनी है तो दोनों की दोनों कंपनी एक दूसरे से कॉपरेट करती है और अपना अपना प्रॉफिट मैक्सिमम लेकर आती है। इसके अंदर नॉन प्राइस कंपटीशन है, प्राइस को लेकर कोई लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि एक ने अपने प्राइस में 10 रुपए कम किए तो दूसरी अपने में, दूसरा सेलर क्या करेगा, अपने प्राइस में 20 रुपए कम कर देगा। तो प्राइस से दोनों को कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसीलिए इसके अंदर नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन रहता है, प्राइस को लेकर कोई कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा। नेक्स्ट, जो राइवलरी है दो कंपनीज के बीच में, उसकी वजह से क्या होता है, प्राइस कंट्रोल रहता है हमेशा, एक दूसरे को कंपटीशन देने के लिए दोनों की दोनों फर्म्स कभी भी एक दूसरे से कम प्राइस पर नहीं बेचेंगी, दोनों इक्वल ही प्राइस पर बेचेंगी लगभग, क्योंकि अगर उन्होंने अपना प्राइस कम किया तो सामने वाला उनसे भी कम प्राइस पर सामान बेच देगा, और इससे क्या होगा, दोनों को लॉस हो जाएगा, इसीलिए वो प्राइस कंट्रोल कर पाएंगे इस मार्केट के अंदर। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, एक तो एंट्री बैरियर है, नई फर्म्स एंटर नहीं कर सकती आसानी से, कंज्यूमर्स के पास लिमिटेड ऑप्शन है क्योंकि दो ही लोग हैं बेचने वाले, वो जो बेच रहे हैं वो खरीदना पड़ेगा। प्राइस फिक्सिंग, या फिर आप बोल सकते हो कोई भी एक तरीके से उन लोगों ने कार्टल बना लिया, तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर्स को कॉस्टली मिलते हैं आइटम्स, क्योंकि दोनों ने मिलकर प्राइस डिसाइड कर लिया है, एक ने 10 पे बेचा सामान, दूसरा भी 10 पे ही बेच रहा है, तो कस्टमर्स को क्या करना पड़ेगा, इससे खरीदो चाहे इससे खरीदो, 10 ही रुपए में मिल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, कंज्यूमर्स को लॉस हो रहा है। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।